नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों, आज की ज़बरदस्त आलू की रेसिपी के लिए हमने लिए हैं यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ के आलू। इन आलूओं को हमने बॉयल कर लिया है और ये बहुत गर्म है, लेकिन दोस्तों इन्हें गर्म गर्म में ही हम छील करके रेडी कर लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, आलू को हमने छील करके रेडी कर लिया है। अब हम लेंगे एक बोल और इस बोल के ऊपर एक स्टेनर को रख देंगे और इस स्टेनर में डालेंगे ये गरम गरम आलू। जी हाँ, इन आलुओं को गरम गरम हमें इसमें मैश करके लेना है। तो इस तरीके से आलू को फोड़ते हुए स्पैचुला या चम्मच की हेल्प से हम इसमें से मैश करते हुए निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैश होके आलू स्टेनर में लग जाएगा और हम स्टेनर में से इस तरीके से आलू को निकाल लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि आलू को हम मैश करके भी ले सकते थे, स्टेनर से निकालने की क्या ज़रूरत थी। ज़रूरत थी दोस्तों, इस तरीके से स्टेनर से जब हम आलू को निकालते हैं तो ये एक स्मूथ और बहुत ही बारीक सा बन जाता, मतलब इसमें बिल्कुल भी चंक्स होने के चांसेस नहीं रहते। लेकिन अगर हम मैश करके लेंगे तो कहीं ना कहीं चंक्स रह जाएंगे जो हमारी रेसिपी को ख़राब कर देंगे। अब ये देखिए दोस्तों, इस आलू का टेक्सचर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा स्मूथ है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें अपने स्वाद अनुसार चिली फ्लेक्स डाल देना है और थोड़ा सा ही इसमें हम ओरिगेनो डाल देंगे, जो पिज्जा में पड़ता है ना, बस वही डाल देना है। बहुत बढ़िया स्वाद आता है इसका। और साथ में खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसका। और साथ में हम डाल देंगे क्यूब वाली चीज़, तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब दोस्तों, इस आलू वाले मिक्सचर को बाइंडिंग देने के लिए हम इसमें डालेंगे कॉर्नस्टार्च। तो यहाँ पर हमने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और यहाँ पर हमने 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया हुआ है। और अब लास्ट में डालेंगे दोस्तों हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा नमक को। और अब क्या करना है, इस सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। तो एक बार इसे स्पैचुला से समेट लेने के बाद में आप हाथों से ही इसे मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हाथों से ही इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके एक डो के रूप में बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, फटाफट से ये डो बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसे सरफेस पे रख लेंगे और इसे एक बार सही कर लेंगे। ये हाथों में चिपके ना, इसके लिए थोड़ा सा ऊपर से भी कॉर्नस्टार्च डालेंगे और इसके बाद में इसे राउंड शेप में रेडी कर लेंगे। अब क्या करना है, इसकी दो मोटी मोटी लोइयां बना करके रेडी कर लेना है। तो चाकू की हेल्प से हम इसे दो पार्ट में कट करके रेडी कर लेंगे। तो एक लोई को हम हटा के रख लेते हैं साइड में और सेकेंड वाली लोई को हम रेडी करेंगे। तो इसे बेलने के लिए दोस्तों हम सूखे वाले कॉर्नस्टार्च की हेल्प लेंगे, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च और फिर इसे बेल करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे बहुत पतला बेलना नहीं है, बस इसे हल्का सा थिकनेस के साथ बेल करके रेडी करना है। ये देखिए, इस तरीके से बेल लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, अगर ये साइड साइड से थोड़ा फट भी रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि फाइनली हमें इसे कट ही करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा सा थिक है, जैसे मोटी रोटी हम लोग बनाते हैं ना, बस उस थिकनेस में हमें इसे रखना है। अब क्या करेंगे, साइड साइड के एजेस को हटा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से चारों तरफ से हटा देना है जिससे कि एक बढ़िया सा शेप निकल करके आए, इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, इसे हमने चौकोर शीट में बना करके रेडी कर लिया है। अब एक नाइफ की हेल्प से ही हमको इसकी लंबी लंबी स्टिक्स निकाल लेनी है। तो जैसे फिंगर चिप्स होता है ना, बस उसी शेप में हमको इसे निकाल करके रेडी करना है। तो यहाँ पे दोस्तों, ये आज की जो पोटैटो रेसिपी हम बना रहे हैं ना, फिंगर चिप्स से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट बन करके रेडी होती है। इसे आप चाय के साथ, सॉस के साथ, चाहे जिसके साथ खाइएगा, आपको बहुत ही मज़ा तो आएगा ही दोस्तों। जिसे भी खिलाएंगे वो तारीफें करते नहीं थकेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सारी स्टिक्स को हमने बना करके रेडी कर लिया है, कितनी प्यारी लग रही है। और अब इसे रेस्ट पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फटाफट वाली रेसिपी है, झटपट से बन करके तैयार होती है। आइए चलते हैं इनको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो तलने के लिए दोस्तों हमने एक पैन को गैस पे चढ़ा दिया, इसमें ऑयल भी डाल दिया है। ऑयल को पहले हमने खूब अच्छे से गर्म कर लिया है, इसके बाद हमें कर देना है गैस के फ्लेम को लो। तो अब हम इन्हें मीडियम से लो फ्लेम पर बढ़िया क्रिस्पी हो जाने तक तल करके रेडी करेंगे। देखिएगा, जब बिल्कुल करारे सी हो जाए ना, तभी निकालेंगे। तो एक एक स्टिक्स को डाल देंगे और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे मुड़ने ना पाए, क्योंकि जैसे शेप में हम डालेंगे ना, अगर मुड़ जाएगी तो वो मुड़ी हुई निकलेगी। अगर हमें सीधी सीधी स्टिक्स चाहिए तो फिर इसे सीधा ही सीधा ऑयल में डालना होगा। तो एक एक डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये नीचे से एक साइड से होती जाएगी, वैसे वैसे हम इसे टर्न करते जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो बस अलटते पलटते हुए बढ़िया क्रिस्पी हो जाने तक तलना है हमें इन्हें। तो बस दोस्तों, 2 से 3 मिनट में बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल फिंगर चिप्स बन करके है रेडी। इसे बाहर निकाल लेंगे, ये देखिए लग रही है ना जबरदस्त एकदम। इसे हम रख देंगे साइड में और सेकंड बैच को भी तल करके रेडी कर लेंगे।
और डालते समय ध्यान रखिएगा दोस्तों, धीरे धीरे डालिएगा, एक एक स्टिक को डालिएगा, सीधा सीधा डालेंगे तो ये सीधा सीधा निकल के आएगा, क्योंकि जिस शेप में ये बन करके रेडी हो जाएगा उसी शेप में रहेगा, तो ध्यान रखिएगा टेढ़ा ना होने पाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को प्रेस करके आल पे सेट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली ही एक नए प्रकार की वीडियो देखने को मिलेगी। सेकंड बैच को भी बना करके हमने रेडी कर लिया है, इसे भी निकाल लेंगे उसी प्लेट में। ये देखिए लग रहा है ना एकदम टेम्प्टिंग। तो इस प्यारी सी रेस्टोरेंट स्टाइल पोटैटो रेसिपी को दोस्तों जरूर ट्राई करिएगा, आपके घर के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी बहुत पसंद आती है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं फिर मिलूँगी आपको एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।